लगभग 1 बजे तक आए थे यहाँ पर। इनके मौसा के जो इनके बच्चे हैं, इनके ताऊ ने फोन करके हमें बुलाया था, बोला था ऐसी ऐसी बात है, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग आए यहाँ पे, आए देखे ताला बंद बाहर से था, तो 100 नंबर पर फोन कराया उन्हें। तो 100 नंबर वाले बोले कि हम ताला नहीं तोड़वाएंगे, थाने बात करो। थाने से बात किया, उन्होंने बोला ताला तोड़ो आप। ताला तोड़े तो हम लोगों ने देखा है ये वारदात हुई है। तो देखा हम सन्नू जी जो है बेहोशी हालत, मतलब थी जिंदी थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। और दोनों बच्चों, बच्चे पूरे डेड थे, पूरी बॉडी काली पड़ी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पूर्वी दिल्ली के शशि गार्डन में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के शशि गार्डन इलाके में एक मकान में हुई 2 बच्चों की हत्या और रेलवे ट्रैक पर मिले पिता के शव ने पूरी सोसाइटी को हिला कर रख दिया है। श्याम जी नाम का शख्स मयूर विहार फेज 1 में एल्कॉन पब्लिक स्कूल के पास चाय की दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में एक बेटा, एक बेटी, बीबी और माँ साथ में रहते थे। पुलिस भी मामले को लेकर कंफ्यूज है। पुलिस के अनुसार श्याम जी ने खुद ही दोनों बच्चों की हत्या कर और पत्नी की हत्या की कोशिश के बाद उसको मरा हुआ जानकर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये केस बहुत पेचीदा हो चुका है। पड़ोसियों के बयान की माने तो श्याम जी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही सरल और सीधे इंसान थे। वहीं परिस्थितियों पर गौर करें तो शक की सुई श्याम जी पर ही जाती है, क्योंकि घर में किसी भी तरह की लूट या किसी तरह की रंजिश नजर नहीं आती है। अगर श्याम जी की जीवित बची पत्नी को कुछ हो जाता है तो ये केस आरुषि हत्याकांड की तरह पुलिस के लिए एक अनसुलझी कहानी बन सकता है। बीते कुछ समय से दिल्ली NCR में हुई कुछ घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि 21 जून 2019 की रात मेहरोली में रहने वाले केमिस्ट्री के ट्यूटर उपेंद्र शुक्ला ने पत्नी अर्चना शुक्ला के साथ 8 साल की बेटी रान्या, 6 साल के बेटे रौनक और 1.5 महीने के बेटे राजा चाकू से गला रेत कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वहीं इसके ठीक 5-7 दिन बाद ही गुरुग्राम के सेक्टर 49 में रहने वाले सन फार्मा कंपनी में साइंटिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट शाखा में हेड रहे डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया। पत्नी डॉक्टर सोनू, बेटी अदिति और बेटे आदित्य की तेज धार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये घटनाएं न केवल हैरान करने वाली हैं, बल्कि दिल दहला देने वाली भी हैं। जो इंसान कल तक जिस पत्नी और बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करता था, प्यार करता था, वो अचानक इतना क्रूर और हिंसक हो जाता है कि अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देता है। दिल्ली NCR में घटी इन घटनाओं के पीछे कारण भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक बात समान है और वो है मानसिक अशांति, सोच समझ का फर्क और धैर्य की शून्यता, जिसने दिमाग में इतना तनाव पैदा कर दिया कि उसने पूरे परिवार को खत्म कर खुद भी मर जाने का फैसला लिया। अक्सर ऐसे हत्याकांड कर्ज और पैसों की कमी की वजह से होते हैं। परिवार का सही तरीके से भरण पोषण ना कर पाने की वजह से या कर्ज में डूबने की वजह से लोग इस तरह का खूनी खेल खेलते हैं। वहीं आधुनिकतावाद और भौतिकतावाद के जाल में दिन ब दिन फंसते जा रहे समाज में ख्वाहिशों के पीछे दौड़ता भागता इंसान न सिर्फ बीमार बन रहा है, बल्कि ख्वाहिशों का बोझ उसे हर कदम पर इतना मजबूर बना रहा है कि ना चाहते हुए भी वो ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ना होगा। वहीं आधुनिकतावाद और भौतिकतावाद के जाल में दिन ब दिन फंसते जा रहे समाज में ख्वाहिशों के पीछे दौड़ता भागता इंसान न सिर्फ बीमार बन रहा है, बल्कि ख्वाहिशों का बोझ उसे हर कदम पर इतना मजबूर बना रहा है कि ना चाहते हुए भी वो ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ना होगा। ये बोझ इस कदर भारी पड़ रहा है
कि उसे अपनी और परिवार वालों की जान सस्ती लगने लगी है। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही खास जानकारी के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। धन्यवाद।